गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून सर। चलिए बच्चों जल्दी से अपने वीडियोस को ऑन करिए। ओके, तो कल हमने अपना चैप्टर नंबर 9 शुरू किया था और इस चैप्टर का हमने कल ज्यादा पार्ट नहीं किया था। एक बार जल्दी से पहले रिकॉल करते हैं कि कल हमने क्या किया था और फिर हम आज की क्लास को आगे बढ़ाएंगे। सब बच्चे अपने वीडियोस को ऑन करिए अपने आप। मैं 5 मिनट दे रहा हूं, उसके बाद मैं अपने आप निकाल दूंगा और कोई रीजन दिए बिना। ओके, तो कल हमने क्या किया था एक बार जल्दी से रिकॉल करते हैं। कल की क्लासेस में हमने क्या किया था, मैंने होमवर्क भी दिया था आप लोगों का, आई होप कि आपने वो होमवर्क कर लिया होगा। और फिर मैं आपको बता रहा हूँ कल आपका टेस्ट है, पुराने बच्चों का स्टाफिंग चैप्टर का टेस्ट है जो कि कल ऑनलाइन होएगा। आपको 2 डिवाइसेस लेके बैठना है जैसे हमेशा होता है, एक में जूम को चलाना है और एक में आपको वो लिंक शेयर किया जाएगा। आपको कल 1 बजे, सुबह 1 बजे आपको कल वो टेस्ट देना है और उसके बाद मैं नेक्स्ट टाइम आपको कल ही बताऊंगा कितने बजे, शाम को भी एक बार मैं टाइम दूंगा। ठीक है, स्टाफिंग का 25 मार्क्स का टेस्ट है, 40 मिनट्स का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का। ठीक है, तो कल और एक बार मैं ऑप्शन आपको कल भी दूंगा, परसों भी दूंगा, 3 बार मैं आपको इस टेस्ट को देने के लिए विंडो को ओपन करूंगा। बट ट्राई करिए कि आप 1 बजे ही जितने ज्यादा बच्चे मैक्सिमम दे सके वो दीजिएगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो बिजनेस फाइनेंस हमने कल शुरू किया था और कल हमने 3 टॉपिक किए थे। सबसे पहले हमने बिजनेस फाइनेंस की डेफिनेशन की थी, तो एक बार कोशिश करते हैं हम सब उसको रिकॉल करने की और अच्छा लगेगा मेरे को कि मेरे साथ सब बच्चे बोलेंगे। ठीक है, तो बिजनेस फाइनेंस की क्या डेफिनेशन थी, फंड्स रिक्वायर्ड टू, जल्दी से बोलिए, कैरी आउट द रनिंग आउट बिजनेस। बिजनेस इज नोन एज बिजनेस फाइनेंस। एंड व्हाट आर द 5 एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस, हमने कल पढ़ा था 5 एक्टिविटीज क्या क्या होती है, बताइए जल्दी से। उसके बाद हमने किया था एक, मैंने आपको एक स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट बताया था। मैंने बताया था कि फाइनेंशियल मैनेजर को कितने तरीके के डिसीजंस लेने होते हैं, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि फाइनेंशियल मैनेजर को 3 डिसीजंस लेने होते हैं, फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। फाइनेंसिंग में आज हम फाइनेंस उसको शुरू भी करेंगे। उसके बाद हमने क्या किया था, हमने फिक्स्ड कैपिटल किया था और फिक्स्ड कैपिटल का सबसे पहले हमने मीनिंग पता किया था एंड देन हमने कुछ फैक्टर्स किए थे। तो एक बार हम फैक्टर्स को याद करते हैं, तो सी से क्या था जल्दी से बताइए, सी से क्या था, choice factors of technique. Factors fixed capital में what was there, CEC से? Choice of technique. Second क्या था, S से क्या था? Scale of operation. L से? Level of collaboration. F से? Financing alternatives. T से? Technological application. G से? वर्किंग कैपिटल सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है और फिर हम उसमें स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में चलेंगे। तो जैसे हमने कल देखा था फिक्स्ड कैपिटल क्या था, फिक्स्ड कैपिटल वाज़ द फंड्स रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द डे टू डे एक्टिविटीज, सॉरी इन फंड्स इन्वेस्टेड इन लॉन्ग टर्म एसेट्स। तो वर्किंग कैपिटल क्या होता है, अभी कुछ नहीं लिखेगा कोई, अभी से यहाँ ध्यान दीजिएगा। वर्किंग कैपिटल का क्या मतलब हो बताइए, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय वर्किंग कैपिटल, कौन बताएगा वर्किंग कैपिटल क्या होता है? जो फंड्स रिक्वायर्ड होते हैं डे टू डे वर्किंग के लिए, बिजनेस डे टू डे वर्किंग के लिए, जो हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं करंट एसेट्स में, जो डे टू डे वर्किंग के लिए हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल। तो बिल्कुल सही कहा, फंड्स इन्वेस्टेड इन द करंट एसेट्स टू फैसिलिटेट डे टू डे वर्किंग ऑफ द बिजनेस इज नोन एज वर्किंग कैपिटल। अब बच्चों आपने अकाउंट्स में वर्किंग कैपिटल का एक फॉर्मूला भी सीखा हुआ है, कोई बता सकते हैं वो फॉर्मूला क्या होता है जो अकाउंट्स में आपने वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला सीखा है? लेकिन ये फॉर्मूला है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का। इसके अलावा बच्चों एक और वर्किंग, सॉरी ये फॉर्मूला है नेट वर्किंग कैपिटल का। इसके अलावा एक और होती है वर्किंग कैपिटल बिजनेस स्टडीज के हिसाब से,
जिसको हम कहते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, और ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है टोटल ऑफ करंट एसेट्स। तो हमारे दो हमारे को वर्किंग कैपिटल पता होना चाहिए, एक होती है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, एक होती है नेट वर्किंग कैपिटल। जो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होती है दैट इज टोटल ऑफ करंट एसेट्स, और जो नेट वर्किंग कैपिटल होती है वो होती है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। एक मिनट बच्चों, एक ओके आगे चलते हैं। अब हमारा वही जैसे हमने कल किया था वैसे ही हम आज करेंगे। मैं आपके सामने एक एक फैक्टर लिखता रहूंगा, अभी आप नोट्स में नहीं लिखोगे, मैं आपके सामने एक एक फैक्टर लिखता रहूंगा और आप मुझे बताओगे कि अगर ये फैक्टर है तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए कि कम चाहिए। ठीक है, 12 फैक्टर है, टोटल 12 फैक्टर्स है, मैं एक एक करके आपके सामने लिखूंगा अपने स्लैंग के हिसाब से, फिर आप मुझे बताओगे कि कौन वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी कि कम होगी। ठीक है चलिए ओके, सबसे पहला हमारा है फर्स्ट है प्रोडक्शन साइकिल। एक मिनट, मैं इसको ना स्लैंग के हिसाब से लिखता हूं। सबसे पहले लेवल ऑफ कंपटीशन, एक बात बताइएगा, अगर कंपटीशन का लेवल हाई है, अगर कंपटीशन का लेवल हाई है तो आप मेरे को बताइए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी कि कम होगी। अगर कंपटीशन का लेवल हाई है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी कि कम होगी, ज्यादा हो जाएगी। और क्योंकि आपको क्या करना पड़ सकता है, हो सकता है आपको डिस्काउंट देने पड़ेगा, आपको एडवर्टीजमेंट ज्यादा करना पड़ेगा, आपको 1+1, 2+1 ऐसी स्कीम्स देनी पड़ सकती है, तो इन सबसे हमारे क्या हो जाएगी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाएगी। तो अगर कॉम्पिटिशन का लेवल हाई है तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए, और अगर लो है कॉम्पिटिशन का लेवल तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। बच्चों किसी को भी कोई भी पॉइंट में अगर कोई डाउट आता है तो प्लीज मुझे वहीं पे रोक लीजिएगा। चलिए सेकंड पे चलते हैं। एक बात बताइए इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है, इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है, प्राइस इन्फ्लेशन का क्या मतलब मार्केट में वो इंक्रीज होना प्राइस, जो कॉस्ट इंक्रीज इन कॉस्ट। तो एक बात बताइए अगर इन्फ्लेशन है मार्केट में तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाएगी कि कम होगी, अगर इन्फ्लेशन है मार्केट में तो वर्किंग कैपिटल हमारी बढ़ेगी कि नहीं। इसको ऐसे समझो, पहले इस बॉटल को एक बॉटल बनाने में पहले एक कंपनी को 20 रुपीज लगते थे, अब इसी बॉटल को बनाने में 22 लग रहे हैं, तो हमारी कॉस्ट बढ़ी है कि कम हुई है, बढ़ गई ना, इंक्रीज हो गई। अब इसका मतलब क्या होगा वर्किंग कैपिटल भी हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। तो अगर इन्फ्लेशन हाई है मार्केट में तो वर्किंग कैपिटल भी बढ़ जाएगी, और अगर इन्फ्लेशन लो है तो वर्किंग कैपिटल भी कम हो जाएगी। यहां तक समझ में आया सबको, किसी के मन में कोई डाउट तो नहीं, चलिए आगे चलते हैं। स्केल ऑफ ऑपरेशन बच्चों कल वाला ही है तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अगर लार्ज स्केल में काम करे तो वर्किंग कैपिटल हमारी ज्यादा हो जाएगी, और अगर स्मॉल स्केल में काम करे तो वर्किंग कैपिटल हमारी कम हो जाएगी। ठीक है कि नहीं। अब आइए बच्चों जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको यहाँ पे टिक कर रहा हूं। प्रोडक्शन साइकिल का क्या मतलब होता है, कोई बता सकता है मेरे को प्रोडक्शन साइकिल का क्या मतलब होता है, What do you understand by production cycle? बताएगा कोई? Quantity of goods कितने? क्या क्या? Time period between? Manufacturing of मतलब कितने time में आपको एक good बनके मिल जाएगा? बिल्कुल, कितने time में एक raw material से एक finished good में तैयार हो जाएगा? एक बात बताइए, अगर मेरा कोई इस तरीके की production cycle है कि raw material से finished good बनने में 3 दिन लगते हैं, तो मेरे को जब मान लीजिए आज मैंने कोई चीज मशीन में डाली, 3 दिन बाद वो रेडी फॉर सेल होएगा, तो 3 दिन बाद बिकेगा, और 3 दिन बाद बिकेगा तो 3 दिन बाद ही मेरे पास पैसे आएंगे। इसका मतलब 3 दिन के लिए मुझको अपने खुद के फंड्स चाहिए। मेरा एग्जांपल समझ में आया, फिर से समझाता हूँ। मेरी कोई एक ऐसा प्रोडक्शन साइकिल है, कोई ऐसा प्रोडक्ट है कि मैं आज उसको मशीन में डालता हूँ तो 3 दिन के बाद वो बनता है और 3 दिन के बाद वो सेल होएगा, 3 दिन तक के बाद पैसा आएगा, तो 3 दिन की जो 3 डेज का मेरे को प्रोडक्शन साइकिल है वो पूरी मेरी प्रोडक्शन कहां से चलेगी, मेरे खुद के फंड से। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मेरा प्रोडक्ट ऐसा है जिसको मैं आज मशीन वगैरह में डालता हूँ तो कल तक बन जाएगा, मतलब 2 डेज में बन जाएगा, कल ही वो सेल हो जाएगा, तो मुझे 2 दिन के बाद पैसा मिल जाएगा वापस बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए। इसलिए मुझे खुद का पैसा कितने दिनों के लिए चाहिए, 2 डेज के लिए चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, जितनी लॉन्गर प्रोडक्शन साइकिल होगी, जितनी longer production cycle होएगी, working capital भी उतनी ही ज़्यादा चाहिए, और जितनी short production cycle होएगी, shorter होएगी, तो working capital भी उतनी ही कम चाहिए। समझ में आया सबको ये example? किसी के मन में कोई डाउट तो नहीं, अभी कोई लिखेगा नहीं, अभी कोई नहीं लिखेगा, मैं बाद में टाइम दूंगा लिखने। ठीक है चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी
सर प्रोडक्शन साइकिल एक बार दोबारा बता दो. ओके बेटा, प्रोडक्शन साइकिल का मतलब होता है टाइम पीरियड बिटवीन कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स. तो इसका ऐसे समझिए, आप एक ऐसे प्रोडक्ट में डील करते हो जिसमें रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बनने में 3 दिन लगेंगे. तो आज आपने काम शुरू किया, आज का पूरा दिन निकल गया, कल का पूरा दिन निकल गया, परसों शाम को वो जाके तैयार हुआ, तो परसों शाम को या उसके भी अगले दिन जाके वो बिकेगा, और जब वो बिकेगा तब आपके पास कैश आ जाएगा. ठीक है ना, फिर कैश आ जाएगा. इसका मतलब 3 दिन के लिए आपको खुद के फंड्स चाहिए इस पूरे प्रोडक्शन को चलाने के लिए. अब दूसरा एग्जांपल समझिए, आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो आज आप मशीन में डालते हो रॉ मटेरियल्स, कल तक वो तैयार हो जाते हैं, तो कल शाम को आप सेल कर देते हो. तो इसका मतलब आपको अपना खुद के फंड्स, अपने खुद के पैसा कितने दिनों के लिए चाहिए? 2 दिन के लिए चाहिए. तो मतलब क्या हुआ, जितनी लॉन्गर प्रोडक्शन साइकिल है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी उतनी ही ज्यादा होती है. समझ में आया बच्चे? यस सर. ओके अब आइए नेक्स्ट पे चलते हैं. अगेन सेम है जो हमने कल किया था वैसा ही है. तो फिफ्थ हो गया हमारा नेचर ऑफ बिजनेस. जैसे हमने कल किया था ट्रेडिंग कंसर्न है तो कम चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो ज्यादा चाहिए. नेचर ऑफ बिजनेस, ओके नेक्स्ट में चलते हैं. ये वाला पॉइंट जो मैं लिखवा रहा हूं बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. देखो अगर आपने नोटिस किया हो, मैंने सबके आगे 2 पॉइंट्स बनाए, जैसे लेवल ऑफ कंपटीशन के 2, इन्फ्लेशन के 2, सबके 2, अगर ऐसा तो ऐसा, ऐसा तो ऐसा. देखिए ये जो पॉइंट है मेरा अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, इसमें 4 बनाए गए हम फैक्टर्स. देखो सबसे पहला तो फैक्टर ये है, एक बात बताओ बच्चों, अगर कोई चीज बहुत आसानी से मिलती है, अगर कोई चीज बहुत आसानी से मिलती है तो क्या आप उसका स्टॉक घर पे रखोगे? अगर कोई चीज बहुत आसानी से मिल जाती है तो क्या आप उसका स्टॉक रखोगे? नहीं, बस आप 1-2 पैकेट रख लोगे, 3 पैकेट रख लोगे. जैसे मैगी है, इट इज अ वेरी कॉमन आइटम, आपके नीचे घर से बाहर निकलते ही तो किसी भी ग्रोसरी स्टोर पे मैगी मिल जाएगी. तो एट अ टाइम आपके घर में कितनी मैगी होती है, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द फैमिली, 2 या 3 पैकेट, इससे ज्यादा तो नहीं होते. लेकिन याद करिए, आज से 4-5 साल पहले अगर आपको याद हो, 2015 में मैगी पे बैन लग गया था, तो वो लग रहा था कि मैगी नहीं मिलेगी. तो लोगों ने भरी थी मैगी घर पे, चलो मैगी भर लो मैगी, क्योंकि उनको हेल्थ का कोई इशू नहीं था, उनको ये था कि बस मैगी मिल जाए. और हम लोग भी ऐसे करते हैं. और अभी भी याद होगा आपको मार्च के टाइम पे जब लॉकडाउन अनाउंस होने वाला था, जिस दिन ये था कि आज मोदी साहब सब कुछ शाम को बंद कर देंगे, तो आपको याद हो बेटा अपने वीडियोस ऑन करिए, जिसने भी बंद कर लिए अपने वीडियोस ऑन करिए, तो क्या था, हम लोगों ने भर भर के अपने घर में सामान भर लिया था कि कल नहीं मिलेगा. और जैसे अब सब कुछ नॉर्मलाइज हुआ है, सब कुछ चीजें ठीक हो गई. तो अगर एक बात बताइए, अगर आप एक ऐसे गुड में डील करते हो जिसके रॉ मटेरियल्स इजीली अवेलेबल है, तो क्या आप ज्यादा रखोगे स्टॉक अपनी फैक्ट्री में? नहीं, कम रखोगे. और अगर कम रखेंगे तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए होगी कि ज्यादा चाहिए होगी? कम चाहिए, ठीक है कि नहीं. तो अगर हमारे रॉ मटेरियल्स easily and freely available है, free का मतलब मुफ्त नहीं, मुफ्त नहीं, free का मतलब आसानी से. जैसे मैगी is a easy and a free commodity. Free commodity मतलब आसानी से मिलती है, उसके ऊपर कोई बंदिश नहीं है. समझ में आया? तो हमारे अगर raw material easily and freely available है, easily and freely available है, तो हम working capital कम रखे चाहिए हमें. और अगर वो not freely available तो हमें उसको भर भर के रखना पड़ेगा ज्यादा. समझ में आई बात बच्चों? अब इसी का दूसरा भी बताता हूं. जैसे मैंने कहा ना कि इसके मैं 4 पॉइंट बताऊंगा बच्चों. रॉ मटेरियल्स हम अपने वेंडर से मंगवाएंगे. अब मान लीजिए मैं अपने वेंडर को फोन करता हूं और मैं उसको कहता हूं मुझे 10 किलो XYZ रॉ मटेरियल चाहिए. वो कहता है सर परसों शाम को आपकी फैक्ट्री में पहुंच जाएगा. इसका मतलब मुझे आज की प्रोडक्शन के लिए, कल की प्रोडक्शन के लिए और परसों की प्रोडक्शन के लिए अपने पास रॉ मटेरियल रखना पड़ेगा. क्योंकि अब रॉ मटेरियल परसों आएगा तो मतलब 3 दिन मैं फैक्ट्री थोड़ा ना बंद कर सकता हूँ. मुझे रॉ मटेरियल तो अपने पास रखना ही पड़ेगा. यस ऑर नो? ठीक है, अब मैं दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ. मैंने दूसरे वेंडर को फोन किया, उसने कहा कि सर आपके पास ना कल शाम तक आ जाएगा, तो मुझे 2 दिन का सामान रखना है अपने पास क्योंकि कल तो वापस आ जाएगा. और मैंने फोन किया रजनीकांत को, मैंने कहा जी भैया रजनीकांत मेरे को ज्यादा सामान चाहिए. कहता फोन रखो और दरवाजा खोल, 1 मिनट में आपके पास आ रहा है. तो मुझको एक बात बताइए,
कि जितना टाइम लगेगा रॉ मटेरियल्स को मेरे पास पहुंचने में उससे वर्किंग कैपिटल इफेक्ट होगी, अगर ज्यादा टाइम लगेगा तो वर्किंग कैपिटल भी बताइए, अगर ज्यादा टाइम लगेगा तो वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा लगेगा, क्योंकि हमें स्टॉक ज्यादा रखना पड़ेगा, और अगर कम टाइम लगेगा तो वर्किंग कैपिटल भी कम चाहिए क्योंकि हमें स्टॉक भी कम रखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको कहा जाता है लीड टाइम, किस चीज को कहते हैं लीड टाइम, द प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर एंड द रिसीट ऑफ रॉ मटेरियल, द टाइम बिटवीन प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर एंड द रिसीट ऑफ रॉ मटेरियल। तो अगर हमारा लीड टाइम हाई है, अगर हमारा लीड टाइम हाई है तो हमारे को वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए, और अगर लीड टाइम लो है या शॉर्ट है तो हमारे को वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। बताइए बच्चों समझ में आ गया, इसके दोनों पॉइंट समझ में आ गए, ये वाला भी और ये वाला भी, ठीक है आगे बढ़े, चल आगे बढ़ते हैं। लीड टाइम की एक बार वापस से डेफिनेशन, डिलीवरी टाइम हो गया ना प्रोडक्ट, लीड टाइम को आप ये कह लीजिए मतलब डिलीवरी पीरियड कह लीजिए, तो हाई लो की जगह आप इसको शॉर्ट एंड लॉन्ग भी कह सकते, यही पूछ रहे थे बेटा सर, एक बार ये फिर से रिपीट, एक सेकंड, हां जी क्या कह रहे हो बोलो बेटा, तो ये एक बार फिर से रिपीट कर दो यार, आपकी ना आवाज नहीं आ रही, थोड़ा सा तेज बोलोगे, हां सर ये एक बार फिर से रिपीट, हां समझा रहे थे दोनों, समझा रहे बेटा, रॉ मटेरियल तो हमें पता है हमारे को फिनिश गुड्स बनाने के लिए जो सामान चाहिए होता है उसको हम रॉ मटेरियल कहते हैं। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर हमारे हमारी कमोडिटी का रॉ मटेरियल कुछ ऐसा है जो बहुत आसानी से मिल जाता है, जब हमें चाहिए होता है हमें मिल जाता है, तो आप एट अ टाइम कम रॉ मटेरियल रखोगे अपने पास तो हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कम हो गई। तो पहला पॉइंट तो हो गया कि अगर हमारे रॉ मटेरियल, अगर अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल इज फ्रीली अवेलेबल तो हम वर्किंग कैपिटल कम चाहिए, और अगर हमारे जो रॉ मटेरियल्स है वो आसानी से नहीं मिलते तो हमें वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए। पहला पॉइंट तो ये हो गया, ये समझ में आ गया सबको, किसी को डाउट तो, किसी को अगर इस पॉइंट में डाउट है इस वाले में तो अपने एक बार क्वेरी रेज कर दो, नहीं है अब इस पे आते हैं। देखो रॉ मटेरियल हम अपने आप तो नहीं बनाएगा ना, रॉ मटेरियल तो हम किसी से मंगवाएंगे, ठीक है, अब मंगवाने के बाद कितने दिन में वो मेरे पास आता है उससे भी मेरी वर्किंग कैपिटल इफेक्ट होगी। फॉर एग्जाम्पल ऐसा ले लीजिए कि आपको भूख लग रही है और बहुत तेज भूख लग रही है, ठीक है, और आप क्या हो रहा है कि आपने एक रेस्टोरेंट में फोन किया तो उसने फोन करके बोला जी मेरे को 2 घंटे लगेगा आप तक सामान भेजने में, तो आपने पहले देखा 2 घंटे के लिए मेरे को अपना पेट भरने के लिए घर में चिप्स पैकेट है, ठीक है, अगर आपको लगता है कि हाँ है तो ठीक है, अगर आपको लगता है कि मेरे पास नहीं है दो घंटे के लिए भी कुछ मतलब खाने के लिए नहीं है तो आप दूसरे रेस्टोरेंट में फोन करोगे कि वो कहता है कि जो आपको जल्दी भेज देगा। तो कहने का मतलब क्या है, कितने टाइम में आपके पास रॉ मटेरियल पहुंचेगा उससे भी आपकी वर्किंग कैपिटल इफेक्ट होगी। आपने पहले वेंडर को फोन किया, उसने कहा कि सर मेरे को 3 दिन लगेगा आप तक सामान भिजवाने में, तो आज का दिन, कल का दिन और परसों का दिन आप खाली तो नहीं बैठोगे, आप फैक्ट्री तो नहीं बंद करोगे, इसका मतलब आपके पास 3 दिन का खुद का स्टॉक होना चाहिए रॉ मटेरियल का, जिससे कि आप अपने प्रोडक्शन को चालू रखो। तो अब दूसरा एग्जाम्पल, आपने किसी वेंडर को फोन किया, उसने कहा सर आज शाम तक मैं आपके पास सामान भिजवा दूंगा, इसका मतलब एट अ टाइम आपके पास कितने दिन का स्टॉक होना चाहिए, 1 दिन का। तो कहने का मतलब क्या है, कितना टाइम लगता है रॉ मटेरियल्स आप तक आने में उससे भी वर्किंग कैपिटल इफेक्ट होती है, अगर ज्यादा टाइम लगता है तो वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा, और अगर कम टाइम लगता है तो वर्किंग कैपिटल भी कम। अब बताइए सबको समझ में आया, सर पे पुराना स्टॉक भी तो होता है, रिजर्व स्टॉक भी तो होता है, सर रिजर्व स्टॉक भी तो होता है, हाँ तो सर रिजर्व स्टॉक क्या होता है, रिजर्व हर बार रिजर्व पे गाड़ी चलाते हो क्या, वो तो वंस इन अ वाइल की सिचुएशन हो गई ना कि अगर कभी आपके पास नहीं है तो आपने रिजर्व में कोई स्टॉक को यूज कर लिया, ऐसा थोड़ी ना कि हर बार जब तक रिजर्व का पेट्रोल खत्म नहीं होगा आप गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं डलवाओगे। रिजर्व का मतलब ही क्या होता है, इमरजेंसी सिचुएशन, ऐसा नो, हम यहाँ पे इमरजेंसी की बात थोड़ी ना करें, हम यहाँ पे नॉर्मल की बात करें, नॉर्मल सिचुएशन में नॉर्मल कोर्स ऑफ टाइम में क्या होता है, ठीक है कि नहीं। तो अब बताइए, अब ये समझ में आ गया पॉइंट, और इस टाइम पीरियड को कितना टाइम लगता है रॉ मटेरियल्स को आप तक आने में उसको कहा जाता है लीड टाइम, ये टर्म है, ये बनवा का क्वेश्चन भी है, मैं मार्क करूंगा, ठीक है बच्चों समझ में आ गया, आगे बढ़े चल, अब आगे चलते ओके सेम, अब मैं नेक्स्ट पॉइंट लिख रहा हूं सीजनल फैक्टर्स। बेटा देखो हर बिजनेस का एक पीक सीजन होता है, एक ऑफ सीजन। अब जैसे मैं बात करूं आइसक्रीम की, आइसक्रीम वैसे 12 महीने चलती है, जैसा आजकल का टाइम है 12 महीने आइसक्रीम खाई जाती है, लेकिन तब भी गर्मियों में ज्यादा यूज होती है
सर्दियों में कम खत खाई जाती है, ऐसा नो? तो क्या मैं कह सकता हूँ कि गर्मियों में उसका पीक सीजन है, इसलिए प्रोडक्शन भी ज्यादा, सॉरी डिमांड ज्यादा है तो प्रोडक्शन भी ज्यादा है, और अगर प्रोडक्शन ज्यादा है तो वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा है, और जब सर्दियां होती है तो आइसक्रीम की डिमांड कम होती है तो कंपनीज कम प्रोड्यूस करती है, और क्योंकि कंपनीज कम प्रोड्यूस करती है तो इसका मतलब उसकी वर्किंग कैपिटल भी कम है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि पीक सीजन में वर्किंग कैपिटल ज्यादा होती है एंड ऑफ सीजन में वर्किंग कैपिटल कम होती है? ठीक है, समझ में आ गया? ओके, आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट पॉइंट सेम है कल वाला। अगर ग्रोथ के ऑप्शंस है, अगर ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स अवेलेबल है तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए। तो ऑप्शंस अगर है तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा, और अगर नहीं है, ऑप्शंस नॉट अवेलेबल, तो वर्किंग कैपिटल कम। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अभी चार पॉइंट और है, यहां लिखने की कोशिश करता हूं। यहां पर एक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल बच्चों, इसको मैं आपको बना के दिखाता हूं। एक रूल है, एक एजम्पशन है कि जो भी बिजनेस स्टार्ट हुआ है वो कभी ना कभी खत्म होएगा। ये बिजनेस साइकिल होती है। और एक हम एजम्पशन लेके चलते हैं इकोनॉमिक्स में कि जो भी बिजनेस शुरू हुआ है वो एक ना एक टाइम बाद खत्म होएगा। ऐसा नहीं है कि 100 साल में या हमारी लाइफ टाइम में खत्म हो जाएगा, लेकिन हर एक चीज का अपना, एक बिजनेस का एक डेड पॉइंट आएगा, चाहे वो 200 साल हो, चाहे वो 300 हो, चाहे वो 400 हो, वो मतलब नहीं है। बट हमें मान के चलते हैं कि एक बिजनेस की 4 साइकिल्स होती है लाइफ की, जैसे हमारी भी होती है। हम पैदा होते हैं, फिर हम यूथ स्टेज में आते हैं, फिर हम ओल्ड स्टेज में आते हैं, और फिर हम मर जाते हैं। वैसे ही बिल्कुल बिजनेस की भी 4 लाइफ साइकिल्स होती है। सबसे पहले बिजनेस इंट्रोड्यूस होता है, फिर वो बिजनेस ग्रो होता है, फिर वो बिजनेस बूम स्टेज पे आ जाता है, बूम मतलब इससे ज्यादा नहीं चल सकता, और फाइनली वो डिक्लाइन होने लग जाता है। तो एक बात बताइए मेरे को, आप 4 स्टेजेस, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, बूम, डिक्लाइन, आपके हिसाब से सबसे ज्यादा डिमांड किसमें होगी? बूम में। बूम में, और सबसे ज्यादा डिमांड अगर बूम में होगी तो प्रोडक्शन भी बूम में होगी, और जब प्रोडक्शन भी बूम में होगी तो वर्किंग कैपिटल बूम स्टेज में सबसे ज्यादा चाहिए और डिक्लाइन स्टेज में कम चाहिए। बताइए बच्चे, कुछ पूछना है? ओके, आगे चलते हैं बच्चों। ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ये तो बड़ा ही सिंपल पॉइंट है, मैं आपको आपके एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए बच्चा मेरे पास आया, मैं नाम नहीं ले रहा किसी का, कहता सर मैं 2 घंटे पढ़ता हूँ और मेरे से 2 पेज याद होते हैं। मेरी बहन तो 2 घंटे में पूरे 2 चैप्टर याद कर लेती थी। सर ये क्या बात है? तो इसमें बात ये है सर, जब आपकी बहन पढ़ती थी तो वो 2 घंटे जब पढ़ती थी तो 4 घंटे का आउटपुट निकालती थी, और जब आप 2 घंटे पढ़ते हो तो उसमें से 1.5 घंटे तो आपके दिमाग में कालीन भैया ही घूम रहे होते हैं, मिर्जापुर आने वाला है 23 तारीख को, अभी ये आने वाला है, अभी वो आने वाला है, और आप आधा घंटा पढ़ते हो। तो कहने का मतलब क्या है, अलग अलग लोगों की जिस तरीके से अलग अलग एफिशिएंसी लेवल होते हैं, वैसे ही बिजनेस के भी अलग अलग एफिशिएंसी लेवल है। कोई किसी बिजनेस का एफिशिएंसी लेवल बहुत हाई है, किसी बिजनेस का एफिशिएंसी लेवल कम है। अगर एफिशिएंसी लेवल हाई है तो बताइए वेस्टेजेस कम होगी, और वेस्टेजेस कम होगी तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए, और अगर एफिशिएंसी लेवल कम है तो आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए। जैसे आप ही की बात करूं, आपको एक चैप्टर बीएसटी का पढ़ना है, कोई बच्चे 1 घंटे में याद कर देते हैं, कोई 4 में करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो 1 घंटे में पढ़ रहा है उसकी एफिशिएंसी लेवल हाई है, वो 1 घंटे में पढ़ के अपना वही आउटपुट निकाल लेता है। तो अगर एफिशिएंसी लेवल हमारा हाई है तो वर्किंग कैपिटल कम हो जाएगी क्योंकि वेस्टेजेस कम होगी, और अगर एफिशिएंसी लेवल कम है तो वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगी। सिंपल सा पॉइंट है, मुश्किल तो नहीं है। तो आइए यहाँ पे लिखते हैं, अगर हाई एफिशिएंसी लेवल है तो वर्किंग कैपिटल कम, और अगर लो एफिशिएंसी लेवल है तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा। अब 2 पॉइंट्स को मैं एक साथ लिखूंगा, इसलिए मैंने लास्ट में लिखा। बेटा एक होता है उधार देना, एक होता है उधार लेना। तो पहले बात करते हैं उधार देने की। एक बात बताइए, अगर कंपनी अपना सारा का सारा सामान क्रेडिट अलाउ करती रहती है, सबको क्रेडिट पे सामान देती है, तो वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी? सोच के बताइए, अगर आप लोगों को उधार पे माल बेचते रहोगे तो वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी? बढ़ जाएगी क्योंकि डेटर्स बढ़ते रहेंगे, आपको खुद का पैसा चाहिए। तो अगर इफ अलाउड, अगर आपने क्रेडिट अलाउ किया तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए, और इफ नॉट अलाउड तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। और ऐसे आप उल्टा करते हैं, क्रेडिट अवेल्ड, अगर आपको उधार मिल रहा है, मेरे को बताइए अगर आपको उधार मिल रहा है इफ अवेल, तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए कि ज्यादा चाहिए? कम चाहिए क्योंकि आप जब उधार पे काम चला सकते हो तो आपको खुद के पैसे की जरूरत नहीं है, और अगर उधार नहीं मिल रहा तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए। पहले बताइए इनमें से कोई भी फैक्टर जो आपको नहीं समझ आया हो
तो पहले वो बताइए फिर मैं आपको स्लैंग लिख लू। चलिए अब इसका स्लैंग लिखता हूं। आज के टाइम का स्लैंग है, बड़ा फनी नहीं है बट आज के टाइम का स्लैंग है, कोरोना की वजह से जो बना। लाइंग इन स्विमिंग पूल नॉट अलाउड। देखो बच्चों 12 पॉइंट्स है तो 12 के 12 मैंने पॉइंट्स अपने स्लैंग में जोड़ दिए। नॉट अलाउड बाय स्टेट गवर्नमेंट्स टू ओवरकम एंड कंट्रोल कोरोना। देखो बच्चों ठीक है, लाइंग इन स्विमिंग पूल नॉट अलाउड, ये यहां लिख दिया बाय स्टेट गवर्नमेंट्स टू ओवरकम एंड कंट्रोल कोरोना। सबके फर्स्ट फर्स्ट लेटर आ चुके हैं, एक मिनट रुक जाइए फिर से देखते हैं, अभी कोई जल्दबाजी मत करेगा। एल से क्या हो गया लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन, आई से इन्फ्लेशन, एस से क्या हो गया स्केल ऑफ ऑपरेशन, पी से क्या हो गया प्रोडक्शन साइकिल, एन से क्या हो गया नेचर ऑफ बिजनेस, ए से अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, बी से क्या हो गया बिजनेस साइकिल, एस से क्या हो गया सीजनल फैक्टर्स, डी से क्या हो गया ग्रोथ, ओ से ऑपरेशनल एफिशिएंसी, एंड सी एंड सी से क्रेडिट अलाउड एंड क्रेडिट अवेल। अब आप क्या करेंगे, आपको मैं 2-5 मिनट दे रहा हूँ, सिर्फ हेडिंग्स एक बार याद करिएगा। अगर आपको यहाँ से क्लियर नहीं दिख रहा तो आप नोट्स में से भी देख सकते हो, स्लैंग से सिर्फ हेडिंग से याद करिएगा, अभी मत लिखिएगा नोट्स में कुछ भी। सिर्फ हेडिंग से हेडिंग से याद करिए। हो गई सर वेडिंग्स, ठीक है बच्चे एक बार देखे तो जल्दी से एक बार देखते हैं। यहां पे स्लैंग को देखिएगा, बताइए मेरे को आई से क्या है, आई से इन्फ्लेशन, सबने बोल रहे सिर्फ एक बच्चे दो बच्चे बोल रहे हैं, सब बोल रहे दूसरे क्या है सीजनल फैक्टर्स, सीजनल फैक्टर्स अच्छा, उस पर जी से क्या है ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, और सी से क्या है क्रेडिट अवेल, क्रेडिट अवेल दूसरे सी से क्रेडिट अलाउड, क्रेडिट अलाउड ओ से ऑपरेशनल, डी से बिजनेस साइकिल, बिजनेस साइकिल अच्छा, उस पर ए से जिससे आपको जब आप याद करोगे आपको पूरा नहीं पढ़ना होगा, आपको सिर्फ यही पढ़ना होगा और आपका सारा हो जाएगा। तो कम टू पेज नंबर 9.14 पे आइए। 9.14 वर्किंग कैपिटल मीन्स फंड्स इन्वेस्ट। अच्छा आई होप कि जो भी क्रैश कोर्स के बच्चे हैं उन्होंने प्रिंट आउट निकाल लिए होंगे। आइए वर्किंग कैपिटल मीन्स प्लीज निकाल लीजिएगा अगर अभी भी नहीं निकाले, या फिर आप बुक्स भी कलेक्ट कर सकते हो। अगर आप आना चाहते हो कल इंस्टीट्यूट में मैं खुद अवेलेबल होगा सुबह 10:30 लगा दीजिए 11 to 1 शक्ति विहार ब्रांच में। अगर आप आना चाहते हो तो आप आके अपने नोट्स भी कलेक्ट कर सकते हैं, कल भी और परसों भी 11 to 1 आप नोट्स कलेक्ट कर सकते हैं शक्ति विहार ब्रांच से। ओके वर्किंग कैपिटल मींस फंड्स इन्वेस्टेड इन द करंट एसेट्स ऑफ द बिजनेस टू फैसिलिटेट स्मूथ डे टू डे वर्किंग ऑफ द बिजनेस। थोड़ा सा पढ़ रहे हैं, करंट एसेट्स क्या होते हैं, देयर आर दोस एसेट्स व्हिच इन नॉर्मल रूटीन ऑफ द बिजनेस गेट्स कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। एग्जांपल्स दे रखे हैं, सीधा आइए नीचे जहां बॉक्स में मैंने 2 टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल्स लिखा हुआ है।
There are two types of working capital, gross working capital and net working capital. Gross working capital refers to the investment in all the current assets such as cash, receivable, prepaid expenses, etc. These current assets get converted into cash within an accounting year. Net working capital refers to the current assets minus current liabilities. बच्चों जहाँ पे भी आप current जैसे working capital का question आया, देखो बच्चों आप सभी बच्चे NCERT से ही लिखते हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ के 95, कुछ के 94, कुछ के 98, 99 ऐसे क्यों आते हैं? इतना difference क्यों आता है? क्योंकि वो जो 9900 वाले बच्चे होते हैं वो कुछ एक दो पॉइंट ऐसा लिख देते हैं जो सब बच्चे नहीं लिखते. तो जैसे कि एक एग्जांपल, अगर आप वर्किंग कैपिटल लिख रहे हो और आपसे फैक्टर्स मांगे, आप फैक्टर्स लिखो. लेकिन अगर आपने वर्किंग कैपिटल का जब आपने थोड़ा सा ब्रीफ दे दिया और ये लिख दिया कि दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, आपके दो एक मिनट आपका दो मिनट आपके एक्स्ट्रा लगेंगे, लेकिन एक इम्पैक्ट पड़ेगा आपके एग्जामिनर पे कि इस बच्चे ने थोरो स्टडी कर रखी है. तो यही हमें एक उसकी जो हमारे को जो हमारा पेपर चेकर है, हमें उसका वो दिल जीतना है कि हमने आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रखी है. इसका ऐसा नहीं है कि वहां पे 6 नंबर के क्वेश्चन में आपको 7 नंबर मिल जाएंगे, लेकिन अगर कहीं आपके नंबर कट रहे होंगे तो वहां आपके नंबर कटने से रह जाएंगे क्योंकि आपने उसको आप पहले ही इंप्रेस कर दिया. तो ये जो है, आप जैसे आप मेरी भी प्रेजेंटेशन देखोगे, मैं बॉक्स में बनाता हूँ, मैं हाईलाइट करता हूँ चीजों को, इटैलिक्स में लिखता हूँ, अंडरलाइन करता हूँ. तो आप भी इनको अपने पेपर में यूज करिए एंड ट्रस्ट मी आपका पेपर छूटेगा नहीं, क्योंकि जब से क्रैश हो आपका ये केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चन आने लगे हैं और एमसीक्यूज क्वेश्चन आने लग गए हैं, मेरे को किसी बच्चे ने नहीं बोला कि सर मेरा पेपर छूट गया. 20 नंबर तो आपके एमसीक्यूज है, वैसे ही आपका टाइम सेव हो गया. और उसके बाद भी आपके जो केस स्टडीज है वहां पे 4 नंबर का क्वेश्चन एक पेज में खत्म हो जाता है, जबकि पहले 4 नंबर का क्वेश्चन में तीन चार पेजेस भरे जाते थे जब डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे. अब 4 नंबर के क्वेश्चन में एक पेज से ज्यादा नहीं भरा जाता. तो आप ये तो अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि सर मेरा पेपर छूट जाएगा. नहीं छूटेगा. आप बस कोशिश करिए अपने पेपर को इम्प्रेसिव बनाने की, अपने पेपर को अट्रैक्टिव बनाने की. ठीक है सर? हाँ जी बच्चे, ये सर बीएससी का सीबीएसई का सैंपल पेपर आ गए हैं क्या? आज ही आ गया बिल्कुल आ चुका है सीबीएसई का सैंपल पेपर. मैं अगर आप बोलोगे तो मैं ग्रुप पे डाल दूंगा और उसकी आंसर की भी आ चुकी है, लेकिन मैं इसलिए सोच रहा था कि हम उसको एक बार जब आपका कोर्स खत्म हो जाएगा तो हम उसको आपको क्लास में ही करवा ले. वैसे वो बेटर है. हाँ, और उसकी आंसर की भी आ चुकी है. ठीक है, हम डिस्कस करेंगे उसको. बिल्कुल ओके. तो आइए बच्चों, अब आपको मैं वही 5-7 मिनट दे रहा हूँ. सुनिएगा, ये जो हमारा फ्लो चार्ट है, लेफ्ट में तो आप स्लैम लिखोगे, मैं अच्छे से भी क्लियरली लिख देता हूँ. राइट साइड में आप सबके दो दो पॉइंट लिखोगे और अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स का एक राइट साइड में लिखोगे और एक लेफ्ट साइड. समझ में आ गया? सबको पढ़ो, ऐसे ही सबका पढ़ो, अभी पढ़ो आप, और सबके आगे दो दो पॉइंट लिखो. और मार्क माय वर्ड्स, आप आज पढ़ रहे हो और यहाँ लिख रहे हो, आगे आपको कभी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपने ये लिख बना लिया ना. जब भी आप रिवाइज करोगे इसी फ्लो चार्ट से रिवाइज हो जाएगा, आपको ये सारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, आप अभी पढ़ेंगे. एक बार मैं स्लैंग को अच्छे से लिख देता हूँ. लेफ्ट साइड में स्लैंग और राइट साइड में ये. बेटा जो हमारे बच्चे पुराने बच्चे हैं, मेरी उम्मीद है कि मैं नवंबर में आपके 3 आवर्स के टेस्ट शुरू कर दूंगा. जो पुराने बच्चे क्रैश कोर्स का तो अभी चलेगा कोर्स, तो मैं नवंबर से आपके 3 आवर्स के टेस्ट शुरू हो जाएगा. तो उस पर सबसे पहले हम सैंपल पेपर ही दे. एक्सक्यूज मी सर, एक चीज पूछनी है. हां जी, क्या कह रहे? सर मींस ही सर, लाइक ये सारा का सारा अपना लाइक पूरा कोर्स खत्म करने के बाद, लाइक सर लाइक हम लोग आपके साथ लाइक सारे चैप्टर एक बार फिर से रिवाइज करेंगे? सर बिल्कुल करेंगे सर. ये क्लासेस नहीं खत्म होगी आपकी, जो रेगुलर बच्चे हैं उनकी क्लासेस भी बिल्कुल इसी पैटर्न पे चलती रहेगी, हफ्ते में 1 या 2, और उस पर हम अपनी रिवीजन ही करेंगे. केस स्टडीज, कोई चैप्टर आप बोलोगे कि मुश्किल लग रहा है मेरे को तो वो करा दो, तो वो हम जो भी बच्चे बोलेंगे वो करेंगे आप, तो वो आपकी क्लासेस चलती रहेगी, उसकी चिंता मत करिए. लिख लीजिए स्लैंग, लाइंग इन स्विमिंग पूल, Not allowed, देखिए सारे के सारे पॉइंट्स आ गए, by state governments. जो बच्चे नए हैं मैं उनको बता दूं, जो शॉर्ट में मैं लिखता हूं वो सिर्फ सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए होता है. कल भी बताया था मैंने, टू ओवरकम एंड कंट्रोल कोरोना. बच्चों आप लोगों के स्कूल ओपन होने की कोई न्यूज आ रही है क्या? नहीं होगा स्कूल में ही होगा. तो यार अभी बच्चे खुला ही नहीं, स्कूल ही नहीं खुला तो कैसे करेंगे? देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है.
चलिए जल्दी से एक एक पॉइंट पढ़िए, उसके दो पॉइंट्स बनाइए, अगर आपको नहीं बनते तो जैसे आपने कल मेरे से पूछा था मैं बताता हूँ। कोई भी नहीं समझ आया तो 20 पूछ लीजिए मेरे को मेरे से। सर बिजनेस साइकिल में अभी ये डायग्राम के थ्रू ये बनाना है, मैं बना देता हूं यहां पे। बिजनेस साइकिल में आपको डायग्राम बनाना है और पेपर में भी बना के आना। तो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स का एक बार बताना। भूमिका वीडियो ऑन करो सृष्टि, आप भी आयुषी हां जी क्रिश बोलो। अरे एक बार ऑपरेशनल एफिशिएंसी से बात। ऑपरेशनल एफिशिएंसी में बताता हूँ बेटा, सिंपल सा पॉइंट है। अगर कोई बिजनेस की एफिशिएंसी लेवल हाई है, एक बात बता, अगर किसी बिजनेस की एफिशिएंसी लेवल हाई है तो वेस्टेजेस कम होएगी, ठीक है ना। वेस्टेजेस कम होएगी तो हमारे को कम रॉ मटेरियल्स में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी या ज्यादा करनी पड़ेगी वर्किंग कैपिटल में? कम सर, कम। तो बस यही है, अगर ऑपरेशनल एफिशिएंसी हाई है तो वर्किंग कैपिटल कम हो जाएगी क्योंकि वेस्टेजेस कम होती है, और अगर ऑपरेशनल एफिशिएंसी लो है तो वर्किंग कैपिटल हाई चाहिए, ज्यादा चाहिए। वृंदा वीडियो ऑन करो, माधव आप भी, सार्थक भाटिया आप भी, जागृत सब बच्चे देखो, बार बार मत बुलवाइए, अपने आप ही अपने वीडियोस ऑन करिए।
तान्या शुक्ला प्लीज वीडियो ऑन करिए। सर एक बार क्रेडिट अलाउड और क्रेडिट कौन सा क्रेडिट अलाउड? ओके बेटा क्रेडिट अलाउड बड़ा सिंपल पॉइंट है, बात देखिए अगर आप माल उधार पे बेचते हैं तो हमारे क्या बढ़ जाएगी, डेटर्स बढ़ते रहते हैं, और अगर डेटर्स बढ़ते रहते इसका मतलब हमारी वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगी, यस और नो? ठीक है, तो अगर क्रेडिट अलाउ कर रहे हो इफ अलाउड तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए, और अगर क्रेडिट नॉट अलाउड तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। ये तो हो गया अलाउड वाला, अवेल्ड में उल्टा हो जाता है। अगर क्रेडिट अवेल हो रहा है, अगर आप क्रेडिट अवेल कर रहे हो तो इसका मतलब क्रेडिट आपकी लाइबिलिटीज बढ़ जाएगी, क्योंकि क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे, लाइबिलिटीज बढ़ने से वर्किंग कैपिटल कम होती है। फॉर्मुला भी आपको पता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, मैथमेटिकली भी अगर मैं आपको बताऊं तो क्या मतलब हुआ, अगर वर्किंग अगर आपकी क्रेडिट अवेल कर पा रहे हो आप इफ अवेल तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए, और इफ नॉट अवेल तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए, क्योंकि आपको हर चीज के लिए कैश चाहिए। समझ में आ गया भव्य? आपको समझ में आ गए? ठीक है शिवानी, आपको समझ में आ गया सारा? ठीक है जल्दी से लिख लीजिए, लिख लिया सबने, आगे बढ़े फिर। एना आपको समझ में आया? सर एक बार डायग्राम देख बेटा, आपका आना है या एना है, वैसे तो आप मुझे ये बताओ, हाउ डू यू आना एना, आपको समझ में आ गया? यस सर, जल्दी से लिखिए बेटा, कंप्लीट करो। नंदनी आप बड़ा थोड़ा साइड हो सकते हैं वो? हां जी बिल्कुल हो सकते हैं सर, हां बिल्कुल हो सकते हैं सर, साइड आपके लिए लिखा है मैंने, देखिए। नंदनी समझ में आ गया? यस सर। ये डायग्राम बना लीजिए बिजनेस साइकिल में, पेपर में भी बना के आना है। हो गया सबका कंप्लीट? सर बिजनेस साइकिल में क्या क्या आएगा? देखो बेटा, अच्छा डायग्राम में पूछ रहे हो या वैसे दो पॉइंट्स पूछ रहे हो? सर दो पॉइंट्स। हाँ तो इस पर लिखिए बूम, अगर बूम स्टेज में बिजनेस अपने तो हाई वर्किंग कैपिटल, और डिक्लाइन स्टेज में है तो लो वर्किंग। हाँ जी क्या कह रहे हैं बेटा? सर सीजन में अगर ऑफ है तो वर्किंग कैपिटल लो, तो हाँ जी, और पीक पीक सीजन है। ओके सर, पीक एंड ऑफ। सर क्रेडिट अलाउड में क्या था? एक सेकंड बच्चा, कौन सा कह रहे हो सर? क्रेडिट अलाउड में। क्रेडिट अलाउड बड़ा सिंपल है, इफ अलाउड है, मतलब समझ आ गया है या समझाऊं? नहीं सर समझ आ गया है। हां तो सिंपल है, इफ क्रेडिट अलाउड, अच्छा अलाउड और नॉट अलाउड है बस। हां जी सर, अलाउड में तो कम चाहिए ना? नहीं नहीं एक बात बता, अगर तू क्रेडिट अलाउ कर रहा है, सारा माल उधार पे बेच रहा है तो डेटर्स बढ़ेंगे ना? उधार पे बेच रहा है, ठीक है ठीक है सॉरी। हाँ, अवेल्ड में उल्टा, अवेल्ड में उल्टा हो गया बच्चों। सर हाँ जी बेटा, हाँ जी, एक बार प्रोडक्शन साइकिल प्लीज एक्सप्लेन कर दो वापस। कौन से वाला? प्रोडक्शन साइकिल। प्रोडक्शन साइकिल ये लिख लिया सबने बेटा। प्रोडक्शन साइकिल क्या होता है, कितने दिन में आपका रॉ मटेरियल से फिनिश गुड तैयार होगा, याद है? जैसे मान लीजिए आपकी प्रोडक्शन साइकिल 3 डेज की, इसका मतलब क्या होगा कि आज आपने किसी गुड्स को मशीन में डाला, आज भी नहीं बिकेगा वो, आज नहीं बिकेगा, कल भी नहीं बिकेगा वो, परसों जाके वो शाम को तैयार होएगा, तो परसों या फिर उसके भी नेक्स्ट दिन जाके वो सेल होगा। अब इस दिन सेल होएगा तो पैसा मेरे को इस दिन मिलेगा, इस दिन जो पैसा मिलेगा मैं वापस उसको बिजनेस में इन्वेस्ट कर दूंगा। इसका मतलब मुझे एक बारी में 3 दिन का पैसा मेरे पास होना चाहिए, क्योंकि 3 दिन तक मेरे को सेल नहीं कर पाऊंगा। अब दूसरा एग्जांपल, अगर मेरी प्रोडक्शन साइकिल 2 डेज की है, मतलब मैंने आज कोई चीज बिजनेस मशीन में डाली, कल तक वो बनेगी, और परसों मैं उसको सेल करके कैश ले लूं, परसों का कैश मैं वापस बिजनेस में लगा दूं, इसका मतलब मुझे बिजनेस को चालू रखने के लिए 2 दिन का कैश अपने पास रखना पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या है, अगर प्रोडक्शन साइकिल लॉन्गर है
तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए, क्योंकि जैसे तीन दिन है तो तीन दिन के लिए आपको पैसा चाहिए. वर्किंग अगर आपकी प्रोडक्शन साइकिल शॉर्टर है तो वर्किंग कैपिटल भी आपको कम चाहिए. समझ में आया बेटा? ओके सर. सर ये साइकिल एंड कब होती है, जब प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाता है या फिर जब सेल हो जाता है? कौन सा कौन किसको कह रहे हो? प्रोडक्शन साइकिल को. प्रोडक्शन साइकिल जब हम ये अज्यूम करें कि वो बिक जाएगा, मतलब वो कन्वर्ट होके बिक गया. ओके सर. जैसे वो कन्वर्ट हुआ फिनिश गुड में, इट इज सोल्ड. सबका हो गया, लिख लिया सबने? देखो ना, इसमें दो वन मार्कर्स आपको मार्क करवाने हैं इसी टॉपिक पे. बेटा आइए जल्दी से बुक में, कम टू पेज पॉइंट नंबर 5 पे आइए. 9.15 पेज पे 5 पॉइंट पे आइए. प्रोडक्शन साइकिल वन मार्क का क्वेश्चन आता है. प्रोडक्शन साइकिल इज द टाइम स्पैन बिटवीन द रिसीट ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड देयर कन्वर्जन इनटू फिनिश गुड्स. ये वन मार्क का क्वेश्चन है, एमसीक्यूज में आ सकता है. और एक आप आइए बच्चों उस पे, कम टू 9.16 पेज. अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल मैंने बॉक्स में लिखा हुआ है. लीड टाइम, time lag between the placement of order and actual receipt of order is the lead time. ये दो definitions आपको बताऊं. ठीक है, चलिए बच्चों अब हम अपना एक question और करेंगे छोटा सा. financing decision क्या होता है, तो आइए यहाँ पे देखिएगा. अभी कुछ मत लिखिएगा, कुछ मत देखिए बुक में से. जैसे मैंने आपको कल बताया था, हाँ जी बेटा, 9.16 क्या कह रहे? 9.16 पे क्या उसमें क्या मार्क करना है? हाँ, लीड टाइम की डेफिनेशन जो मैंने बॉक्स में लिखी हुई है ना, ये वन मार्क के क्वेश्चन में आ जाती है. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लीड टाइम? कल जैसे हमने डिस्कस किया था कि एक फाइनेंशियल मैनेजर को तीन डिसीजन लेने लीड टाइम. हाँ जी सर, एक बार वो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स का बता दो. बस बहुत ही सिंपल है, इफ अवेलेबल, इफ प्रोस्पेक्ट्स आर अवेलेबल तो ज्यादा चाहिए, और अगर नहीं है तो कम चाहिए. अगर अपॉर्चुनिटीज लिख सकते हो, इफ अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल. तो कल हमने क्या किया था बच्चों, मैंने आपको बताया था कि फाइनेंशियल मैनेजर को तीन तरीके के डिसीजन लेने होते हैं कि पैसा कहां से आएगा, कहां लगेगा, कहां जाएगा, उसका इनकम के साथ क्या होगा. तो सबसे पहला जो हमारा है फाइनेंसिंग डिसीजन, आज हम यही करेंगे. छोटा सा पॉइंट है, ज्यादा नहीं है. तो अगर मैं आपसे पूछूं तो आपके हिसाब से फाइनेंसिंग डिसीजन की डेफिनेशन क्या होगी, मुझे हिंदी में बता दो, इंग्लिश में बता दो, जिसमें भी आता है उसमें बता दो. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फाइनेंसिंग डिसीजन, कि क्या हुआ आपके हिसाब से फाइनेंसिंग? सर की फाइनेंस कहां से लाना है? फाइनेंस कहां से लाना है? फाइनेंस कितना क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं? क्या पूछ रही है वो बताइए, ये आंसर दे रहे हो? हाँ जी सर, मतलब कि बिजनेस फाइनेंस को कहाँ एलोकेट, पैसा कहाँ से लाना है. तो मैं इसको इंग्लिश में लिख देता हूँ. इट इज कंसर्न विद, अभी मत देखिए, अभी ऐसे यहाँ देखिए, कुछ मत नोट्स में कुछ मत पढ़िएगा. इट इज कंसर्न विद डिसाइडिंग द अमाउंट ऑफ फंड्स टू बी रेज्ड फ्रॉम different sources. ठीक है, तो कितना पैसा कहां से लाना है, जैसे हमने कल देखा था कितना डिबेंचर से लेना है, कितना प्रेफरेंस से लेना है, कितना इक्विटी से लेना है, कितना कहां से लेना है. तो अमाउंट ऑफ फंड्स टू बी रेज्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, फाइनेंशियल टर्म्स में अमाउंट की जगह में वर्ड यूज होता है क्वांटम ऑफ फंड्स. अमाउंट की जगह में वर्ड यूज होता है क्वांटम ऑफ फंड्स. तो हमारी डेफिनेशन क्या होगी, इट इज अ कंसर्न विद डिसाइडिंग द क्वांटम ऑफ फाइनेंस या फंड्स to be raised from different available sources. समझ में आ गई डेफिनेशन? कोई मुश्किल तो नहीं है. हमारे पास दो ही sources होते हैं, एक होता है borrowed funds, एक होता है owner's funds. Borrowed funds क्या होते हैं, जैसे debt हो गया, public deposits हो गया, etc. और owner's funds क्या होते हैं, equity, retained earnings, etc. यहाँ तक बात समझ में आ गई? अगेन अब हमारा क्या क्वेश्चन है, मैं आपके सामने कुछ फैक्टर्स रखूंगा और आप मुझे बताओगे कि अगर ये फैक्टर है तो हमें डिबेंचर से पैसा लेना, मतलब डेट से पैसा लेना चाहिए कि ओनर से पैसा लेना चाहिए. समझ में आ गई बात? ठीक है, तो मैं आपके सामने कुछ फैक्टर्स रखूंगा, आप मुझे बताएंगे कि अगर ये है तो हमारे को डेट से देना चाहिए, और अगर ये पॉइंट है तो हमारे को इक्विटी से देना चाहिए. आपके काम को आसान करने के लिए मैं डेट बॉरोड फंड्स में डेट मान के चलिए दिमाग में, और ओनर्स फंड में इक्विटी मान के चलिए. ठीक है, ओनर्स में इक्विटी मान के चलिए और बॉरोड में डिबेंचर्स, तो आप इन दोनों के बीच में कंपेरिजन करके बताइए.
ठीक हो गया, समझ में आ गई बात? चलो यहां देखते, देखो बच्चों पहला पॉइंट थोड़ा सा शायद आपको ना बताओ, फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब पता है आपको? फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है? देखो पैसे रेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कंपनी को, हो सकता है उनको न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देना पड़े, कमीशन देनी पड़ती है स्टॉक ब्रोकर्स को, टीवी में एडवर्टीजमेंट देना पड़ता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हर सोर्स की अपनी फ्लोटेशन कॉस्ट होती है, तो इसमें हम ये नहीं बोल सकते कि डेट से देना चाहिए कि इक्विटी से। हम इसमें एक ये लाइन बोलेंगे कि फ्लोटेशन कॉस्ट जिस सोर्स की सबसे कम फ्लोटेशन कॉस्ट होगी हम उससे पैसा रेस करना पसंद करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहां देख, मेरे को 10 लाख रुपीज रेस करने, इक्विटी से रेस करने में मेरे को 10,000 की मेरे को फ्लोटेशन कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी, और अगर मैं डेट से रेस करता हूं तो मुझे 12,000 की फ्लोटेशन कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ 10,000 लगा के 10 लाख का बेनिफिट मिलेगा, यहाँ पे 12,000 लगा के 10 लाख का बेनिफिट मिलेगा, तो ऑब्वियसली आप कहां से पैसा रेस करना चाहोगे? इसकी फ्लोटेशन कॉस्ट कम है, समझ में आ गया पॉइंट? तो इसमें हम ऐसे नहीं लिख सकते कि डेट की कम है या इक्विटी की कम है, जिसकी भी फ्लोटेशन कॉस्ट कम हो उस वक्त आप उससे पैसे को रेस करें। ठीक है, फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है? फ्लोटेशन कॉस्ट इज कॉस्ट ऑफ ब्रिंगिंग अ न्यू इशू या कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स। कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स इज नोन एज फ्लोटेशन कॉस्ट। हम ये नहीं कह सकते कि हमेशा डेट की कम होगी या इक्विटी की कम होगी, जिसकी भी कम है उस सिचुएशन में जिसमें आप हो उससे आप पैसा रेस करें, समझ में आ गई बात? वन मार्क का क्वेश्चन है, व्हाट इज फ्लोटेशन कॉस्ट? इट इज द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, ये अच्छा पॉइंट है, ऐसे समझिएगा एक बात बताइए, मान लीजिए लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, मेरा जो फैक्ट्री है वो रेंट पे चलती है, मतलब मैंने मेरी खुद की जगह नहीं है, रेंट पे है, मेरा शोरूम भी रेंट पे है, मेरे कुछ परमानेंट एम्प्लॉइज है उनकी सैलरी जाती ही जाती है, और भी मेरे बहुत सारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं, फिक्स्ड एक्सपेंसेस मेरे बहुत हाई है। तो मेरा सवाल है अब कि मुझे अब डिबेंचर से पैसे रेस करने चाहिए या इक्विटी से, कौन बताएगा? मेरे फिक्स्ड एक्सपेंसेस बहुत हाई है, मुझे अब डिबेंचर से पैसे रेस करने चाहिए कि इक्विटी से? सोच के बताइए, मेरे पहले से ही फिक्स्ड एक्सपेंसेस बहुत हाई है, इक्विटी, मुझे अब डिबेंचर से पैसे रेस करने चाहिए कि इक्विटी से? इक्विटी। कोई बच्चा अगर डिबेंचर बोल रहा था, एक बार हाथ रेस करिए, कोई है डिबेंचर वाला? देखिए बच्चों, अगर मैं डिबेंचर से पैसा रेस करूंगा तो इसका मतलब मैं अपने ऊपर एक एडिशनल बर्डन ला रहा हूँ, और वो किस चीज का बर्डन हो जाएगा बताइए, किस चीज का बर्डन हो जाएगा? इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा उसपे। तो अगर मेरा पहले से ही इफ फिक्स्ड एक्सपेंसेस आर और फिक्स्ड कॉस्ट इज ऑलरेडी हाई, इफ फिक्स्ड कॉस्ट इज ऑलरेडी हाई, तो मेरे को क्या डिबेंचर से लेना चाहिए पैसा? नो, देन गो विद इक्विटी। एंड इफ फिक्स्ड कॉस्ट इज लो तो हम किससे जा सकते हैं? डिबेंचर, बताइए। समझ में आया सबको ये पॉइंट? सबको समझ में आया? किसी को कोई डाउट तो नहीं है इस पॉइंट में? किसी के मन में कोई डाउट तो नहीं है? समझ आया? नहीं समझ में आया? सर मैं इसको आपको ऐसे करके दिखाता हूँ। देखो बेटा, मेरे ऊपर पहले ही बहुत बर्डन है, ठीक है, पहले मेरे ऊपर रेंट है, ये है, वो है, अब मुझे 10 लाख रुपए और चाहिए। अब इस 10 लाख को अगर मैं डिबेंचर से रेस करता हूँ तो एक और बर्डन हो जाएगा, किस चीज का? हर साल क्या पे करना है मेरे को? इंटरेस्ट। और वो तो देना ही देना है उसको, तो मैं ये नहीं कह सकता ना मैं इस साल नहीं दे सकता, वो तो देना ही पड़ेगा। तो अगर आप पहले से ही बोझ के नीचे दबे हुए हो तो अपने ऊपर एक और बोझा लेना चाहिए कि आप इक्विटी ले लो, जिस पर आपको डिविडेंड देना या ना देना आपके हाथों में होता है। अब समझ में आया? बताइए सबको समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट्स। बेटा एक बात बताओ, अगर मार्केट में बूम स्टेज है, इसका मतलब क्या होता है? बूम स्टेट है मार्केट में, इसका मतलब क्या होता है? कोई बता सकते हैं? बूम है जी मार्केट में, डिमांड बहुत हाई है, डिमांड बहुत ज्यादा, डिमांड हाई है, या ये कह लो मतलब सब लोगों के पास बहुत पैसा है, ठीक है कि नहीं, पर जीडीपी बहुत ज्यादा है, परचेसिंग पावर बहुत ज्यादा है, सब लोगों के पास बहुत पैसा है। जब हमारे पास पैसा होता है तो हम रिस्क लेने की क्षमता रखते हैं, हम वी आर कैपेबल ऑफ टेकिंग रिस्क। तो
तो अगर मेरे पास बहुत पैसा है तो मैं रिस्क ले सकता हूँ, और रिस्क ले सकता हूँ इसका मतलब मैं इक्विटी में इन्वेस्ट करूंगा, ठीक है। अब एक बात सुनिएगा, और दूसरी स्टेज की बात करते हैं, मार्केट में डिक्लाइन आया हुआ है, रिसेशन है, इसका मतलब मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा पैसा सेफ रहे, और इक्विटी और डिबेंचर में से सेफ कौन सा होता है? और अगर मार्केट में डिप्रेशन है, एज एन इन्वेस्टर लोग कहां पे इन्वेस्ट करेंगे? डेट्स में। तो अब देखिएगा, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इक्विटी से पैसा रेज करे या डिबेंचर से पैसा रेज करे, ये इस पे भी डिपेंड करता है कि मार्केट की स्टेट क्या है। अगर मार्केट में बूम चल रहा है तो कंपनी को इक्विटी इशू करने चाहिए क्योंकि लोग इक्विटी खरीदेंगे। लेकिन अगर मार्केट में डिप्रेशन है, रिसेशन आया है, तो अगर कंपनी ने इक्विटी इशू भी कर दिया, कौन खरीदेगा? क्योंकि वो तो डिबेंचर्स खरीदना चाहते हैं। समझ में आई बात? बताइए, समझ में आया? नो सर, एक बार वापस से बता दो। वापस देखो बच्चों, मैं पैसा रेज करना चाहता हूँ, ये सिर्फ मेरा डिसीजन नहीं है, ये डिसीजन एक और फैक्टर पे डिपेंड होता है, वो है कैपिटल मार्केट में क्या स्टेट है। अगर कैपिटल मार्केट में डिप्रेशन आया हुआ है, डिप्रेशन मतलब लोग अपना डरे हुए है, वो किस क्या चाहते हैं कि उनका पैसा सेफ रहे, और वो किस में इन्वेस्ट करेंगे फिर अगर पैसा सेफ चाहते हैं? डिबेंचर्स में। तो अगर मार्केट में डिप्रेशन की स्टेट है और मैं इक्विटी इशू कर दूंगा तो वो तो सब्सक्राइब ही नहीं होगा क्योंकि लोग खरीदेंगे नहीं इक्विटी। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि अगर डिप्रेशन है मार्केट में तो आप डिबेंचर्स इशू करिए, लेकिन अगर बूम है मार्केट में और मैं इक्विटी इशू करता हूं तो वो सब्सक्राइब होएगा क्योंकि बूम स्टेज में लोग इक्विटी प्रेफर करते हैं। बताइए, सबको समझ में आया? ठीक है, तो अगर स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट की बात करें, बूम स्टेज चल रहा है, इसको ना उस बूम से कंफ्यूज मत करना जो अभी पढ़ा था आपने प्रोडक्शन साइकिल से, वो अलग बूम था बिजनेस साइकिल से, वो बिजनेस का लाइफ साइकिल का हमने स्टेजेस डिस्कस की थी, ये हम मार्केट की स्टेज डिस्कस कर रहे हैं। कौन सी मार्केट? फाइनेंशियल मार्केट, जो हमारी फाइनेंशियल मार्केट होती है, स्टॉक मार्केट होती है, हम उसकी बात कर। तो अगर बूम है तो कंपनी शुड गो विद इक्विटी, और अगर डिक्लाइन या सॉरी रिसेशन है देन कंपनी शुड गो विद डिबेंचर्स डेट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बेटा रिस्क। इसमें भी हम ना दो पॉइंट नहीं बना सकते, हम ये कहेंगे पैसा रेस करने में रिस्क कंपनी को जिस भी सोर्स का कम से कम हो उससे रेस करे। हर सोर्स का अपना रिस्क होता है, फॉर एग्जांपल डिबेंचर्स में रिस्क है कि कंपनी को हर साल डिबेंचर पे इंटरेस्ट देना ही देना पड़ेगा। अगर किसी साल कंपनी पे डिबेंचर डिबेंचर पे इंटरेस्ट नहीं दे पाई तो कंपनी को बंद भी किया जा सकता है, लिक्विडेट भी कर सकते हैं, तो वो रिस्क है वहां पे। और इक्विटी में क्या है? इक्विटी में ये रिस्क नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ एक और रिस्क है इक्विटी में कि जितने भी प्रॉफिट्स है वो सारे के सारे अल्टीमेटली इक्विटी शेयर होल्डर्स के ही है, आज नहीं तो कल उन्हीं को मिलेंगे। तो हर सोर्स का अपना रिस्क होता है, हम इसमें ये नहीं बोलेंगे कि हमेशा डिबेंचर्स इशू करो या इक्विटी, हम एक डिप्लोमेटिक आंसर दे देंगे, कंपनी शुड गो विद दैट सोर्स हूज रिस्क इट कैन बियर। समझ में आ गई बात? तो हम इसमें एक डिप्लोमेटिक आंसर देंगे। तो जैसे हमने फ्लोटेशन कॉस्ट को ओपन छोड़ दिया था, इसको भी हम ओपन छोड़ दें, ठीक है? समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं है किसी के मन में? नेक्स्ट। अच्छा अब ये बताइए, एक बात बताइए कि इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या कंपनी के ओनर्स होते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, ओनर्स अगर, हाँ जी यस और नो, ठीक है? एक बात बताइए, मान लीजिए हम कंपनी के 10 शेयर होल्डर्स है, हम सबके पास इक्वल शेयर है, तो हम सबका कितना कंट्रोल है कंपनी पे? 1/10, 1/10, यस और नो, ठीक है? yes, sir. अगर मान लीजिए कंपनी और पैसा रेस करती है और कंपनी के पास दो ऑप्शन है, या तो इक्विटी से करे या डिबेंचर्स, अगर तो कंपनी डिबेंचर से पैसा रेस करेगी तो क्या इस कंट्रोल में कोई डाइल्यूट होएगा, कोई चेंज आएगा? sir, no. पहले वाले कंट्रोल ही रहेगा सबका, क्योंकि डिबेंचर होल्डर्स आर नॉट द ओनर्स ऑफ द कंपनी। लेकिन अगर कंपनी ने इक्विटी शेयर्स इशू कर दिए तो ये कंट्रोल हिल जाएगा, क्योंकि अब ये लोग भी कंपनी के क्या बन जाएंगे? ओनर्स बन जाएंगे। यस और नो? यस सर। नहीं, तो अगर कंपनी कंट्रोल चाहती है, उसका कंट्रोल वैसा ही रहे जैसे पहले था, तो कंपनी शुड गो विद डिबेंचर्स, ठीक है? तो कंट्रोल में क्या लिखेंगे? इफ डिजायर्ड देन डिबेंचर्स, एंड इफ नॉट डिजायर्ड देन इक्विटी। ऐसे भी लिख सकते ना, इफ कंट्रोल सेम देन इक्विटी। क्या कह रहे हो सृष्टि, बोलो?
कंट्रोल सेम भी लिख सकते हैं, अगर कंट्रोल सेम तो इक्विटी, अगर कंट्रोल डिफरेंट तो डिवेंचर्स। नहीं सर, सेम का मतलब ये है कि अगर कंपनी ये चाहती है, शेयर होल्डर्स ये चाहते हैं कि उसका कंट्रोल डाइल्यूट ना हो, डाइल्यूट मतलब कम ना हो, क्योंकि जितने भी लोग बढ़ते रहेंगे इक्विटी शेयर्स में, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का कंट्रोल कहीं ना कहीं कम होता रहेगा ना। सेम मत बोलो, डाइल्यूट वर्ड है कि अगर कंट्रोल डाइल्यूट नहीं करना चाहते, डाइल्यूट मतलब कम नहीं करना चाहते, तब तो आप डिबेंचर्स इशू करो, और अगर कोई ऐसा कोई आपकी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है तो आप इक्विटी भी इशू कर सकते। ठीक है सिस्टी, ओके नेक्स्ट पे चलते हैं। बेटा एक बात बताओ कि जो इंटरेस्ट पे करना होता है हमें डिबेंचर्स पे, वो तो हमें कैश में पे करना होता है, तो अगर कंपनी के पास कैश ही नहीं है तो क्या वो डिबेंचर्स इशू कर सकती है? क्योंकि हर साल डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट जो पे करना है वो तो कैश में करना है, यस और नो बताइए। हाँ सर, यस। ठीक है ना, ऐसा तो नहीं है ना कंपनी ये कह दे अपने डिबेंचर होल्डर्स को कि मेरे पास पैसे नहीं है मैं इंटरेस्ट नहीं दूंगी, लेकिन हाँ इक्विटी शेयर होल्डर्स को कह सकते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है मैं डिविडेंड नहीं दूंगी, यस और नो, है ना। तो अगर कंपनी की कैश फ्लो पोजिशन स्ट्रॉन्ग है तो कंपनी को क्या देना चाहिए? डिबेंचर्स। और अगर कैश फ्लो पोजिशन वीक है देन कंपनी को क्या देना चाहिए? इक्विटी। यस और नो, समझ में आ गया बच्चों? एंड एक लास्ट पॉइंट कॉस्ट। हर सोर्स की अपनी कॉस्ट होती है, इसका भी हम एक ओपन एंडेड आंसर छोड़े रखेंगे, जैसे हमने इसका ओपन रखा आंसर, इसका भी ओपन रखा, लास्ट कॉस्ट का भी ओपन रखेंगे। हर सोर्स की अपनी कॉस्ट होती है, डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट होता है, इक्विटी पे डिविडेंड होता है। कंपनी को उस सोर्स से पैसा रेज करना चाहिए जिसकी कॉस्ट कम से कम हो। यस और नो, समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, तो आइए। तो फिर फ्लोटिंग कॉस्ट और नॉर्मल कॉस्ट में, वेरी गुड। इसको बच्चों ऐसे समझिए, मेरे को पता था ये क्वेश्चन आएगा। देखो अभी आप ऐसे समझिए, अभी पैसा रेस नहीं हुआ, ठीक है, पैसा रेस करने से पहले आपने टीवी पे एडवर्टीजमेंट वगैरह, ऐसे देखो जैसे मैं आपकी बात करता हूँ, आप क्रैश कोर्स के बच्चों को बुलाने के लिए मैंने एडवर्टीजमेंट दिया, ठीक है, वो हो गई फ्लोटेशन कॉस्ट। फिर वो एडवर्टीजमेंट के बाद मेरे पास आ गए, फिर मैंने उनको बुक्स दे दी, वो हो गई कॉस्ट। समझ में आया बेटा एग्जांपल? ठीक है, अब मैं इसको आपको इससे जोड़ता हूँ कि पहले पैसा रेस करने के लिए पहले मैंने टीवी पे एडवर्टाइजमेंट दिया तो वो हो गई फ्लोटेशन कॉस्ट। एक बार मेरे पास पैसा आ गया, मेरे को लोगों ने पैसा दे दिया, डिबेंचर से पैसा मिल गया मेरे को, तो उस पर जो मैं इंटरेस्ट पे कर दूंगा वो बन जाएगी कॉस्ट। समझ में आया बच्चे? फर्क क्या फ्लोटेशन कॉस्ट और कॉस्ट में? यस सर, आ गया। अब आइए इसका स्लैंग देखते हैं। फर्स्ट लव, एक सेकंड बच्चे, एक सेकंड। एस आर सी सी कॉलेज, मेरे को आई एम वेरी श्योर कि आप सभी जाना चाहते हैं इस कॉलेज में। तो फर्स्ट लव एस आर सी सी कॉलेज, एक मिनट बच्चों, सब बच्चे इस पेज पे आइए, थोड़ा सा टाइम कम है तो हम ऐसा करते हैं, इसको जल्दी से इसको स्लैंग लिख लीजिए। कम टू पेज नंबर 9.3 पे आइए, अभी रीड करेंगे एक मिनट, पहले 9.3 पे फाइनेंसिंग डिसीजन है, नीचे 9.4 पे फ्लो चार्ट है। इतनी देर आप पहले स्लैंग लिख लीजिए और इसके भी रीड करके सबके आगे, जिसके आगे आप दो दो पॉइंट बना सकते हैं जैसे मैंने बनाया है वो बनाइए, चार के आगे बन सकते हैं, चार के आगे ये दो पॉइंट्स बन सकते हैं। हाँ जी, किसको डाउट था बताइए बच्चे, किसको डाउट था पूछिए। मतलब फ्लोटेशन कॉस्ट वो हो गई जो हम इशू करने से पहले वो एग्जैक्टली जब हम उसको जैसे ऐसे हो गए ना, किसी भी चीज को एक्वायर करने की जो कॉस्ट होती है वो होगी फ्लोटेशन कॉस्ट। एक बार वो एक्वायर हो गया उसके बाद जो खर्चा उस पर लगेगा वो होगी कॉस्ट। ऐसे देख लो बच्चों, मानवाड़ा बड़ा फनी एग्जाम्पल है, किसी के कोई बेबी होने वाला है, अभी तक हुआ नहीं है, अभी मतलब हुआ नहीं है, अभी डिलीवरी नहीं हुई, तो उससे पहले के सारे खर्चे तो फ्लोटेशन कॉस्ट है, उसको दुनिया में लाने के खर्चे। अब वो आ गया, अब उसका बर्थ हो गया, अब उसके बाद जो खर्चे उसके ऊपर लग रहे हैं वो उसकी कॉस्ट। ठीक है, तो सोर्स ऑफ फंड्स को लाने तक की कॉस्ट फ्लोटेशन कॉस्ट है, एक बार पैसा मिल गया कंपनी को उसके बाद जो कॉस्ट लगेगी वो कॉस्ट। बेटा जल्दी से लिखिए, फिर थोड़ा सा टाइम कम है, उसके बाद मेरे को एक बात भी डिस्कस करनी है। स्लैंग लिखिए और जिसके आगे चार पॉइंट्स बन सकते हैं, जैसे ये वाला लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट्स, कंट्रोल एंड कैश फ्लो, इसके आगे ऐसे चार पॉइंट्स बनाइए।
हो गया, बस 5 मिनट्स और फिर क्लास को वाइंड अप करते हैं। सर हां जी बेटा, सॉरी बट कैश फ्लो पोजीशन बता दो बेटा। कैश फ्लो पोजीशन का ये है, देखो हर साल डिबेंचर पे आपको इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है, और इंटरेस्ट पे करना आपको कैश में। कैश का मतलब कैश नहीं है, कैश का मतलब कैश इन बैंक, आपके पास बैंक होना चाहिए। अब अगर आपके पास बैंक ही नहीं है, मतलब आपके पास पैसा ही नहीं है इंटरेस्ट पे करने के लिए, फंड्स ही नहीं है, तो कैसे आप पे करोगे? तो उस स्टेट में अगर आपकी कैश फ्लो पोजीशन वीक है, अगर कंपनी के पास कैश, देखो जैसे किंगफिशर है, किंगफिशर कंपनी थी, बहुत सारी कंपनीज थी जिनके प्रॉफिट्स तो बहुत होते थे लेकिन कैश होता ही नहीं था, क्योंकि प्रॉफिट्स तो वो ऐसे दिखा देते थे फेक, लेकिन असली में कैश ही नहीं था उनके पास। तो अगर किसी कंपनी का कैश फ्लो पोजीशन वीक है, उनके पास फंड्स नहीं है, तो वो डिबेंचर इशू नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो डिबेंचर इशू करेंगे तो हर साल उस पर इंटरेस्ट नहीं पे कर पाएंगे, और जैसे ही डिफॉल्ट हो जाएगा इंटरेस्ट का, उनकी कंपनी का दिवालिया घोषित हो जाएगा, और दिवालिया घोषित होते लिक्विडेट कर दी जाएगी कंपनी। तो अगर लेकिन अगर वो इक्विटी इशू करेंगे तो वो बोल सकते हैं कि भैया हम इस साल डिविडेंड नहीं दे रहे, हमारे पास कैश नहीं, हम अगले साल देंगे, कोई कुछ नहीं कह सकता उनको। तो अगर कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन वीक है तो कंपनी शुड गो विद इक्विटी, और अगर कैश फ्लो पोजीशन स्ट्रॉन्ग है तो कंपनी डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं। राइट, समझ में आया? और एक बार ये लेवल, यस सर जी, कोई और डाउट? लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट में क्या लिखना है? फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट में फिर समझाया था, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट में मैंने आपको बोला कि बेटा अगर आपके ऊपर पहले से ही बहुत बर्डन है रेंट का, सैलरीज का, एक्सेट्रा, तो क्या इसमें कोई समझदारी हुएगी कि आप अपने ऊपर एक और बर्डन ले आओ? किस चीज का? इंटरेस्ट का, क्योंकि इंटरेस्ट तो हर साल पे करना ही करना है डिबेंचर्स में। तो अगर मैं पहले ही बहुत ज्यादा मेरे ऊपर प्रेशर है किसी भी चीज का, तो मेरे को इक्विटी इशू करना चाहिए, क्योंकि उस पर डिविडेंड देना या ना देना इज इन माई हैंड्स। मेरे को लगेगा कि मैं डिविडेंड दे सकता हूँ तो मैं दे दूंगा, नहीं दे सकता तो मैं नहीं दूंगा। लेकिन अगर मेरे ऊपर बर्डन ही नहीं है, आई एम अ फ्री बर्ड, मैं आराम से, कोई बर्डन नहीं है, तो मैं डिबेंचर्स इशू कर सकता हूँ और उस पर इंटरेस्ट दे दूंगा मैं हर साल। राइट, समझ में आ गया? ठीक है, तो आइए पहले इसके इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ते हैं, बस वो इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ के आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट क्लासेस का मैं आपको स्केड्यूल बताता हूं। तो कम टू पेज नंबर 9.3, फाइनेंसिंग डिसीजन इज अबाउट द क्वांटम ऑफ फाइनेंस, अंडरलाइन करिए, क्वांटम ऑफ फाइनेंस to be raised from various long-term sources which may be debt or equity. It involves identification of various available sources. The main sources of funds are shareholders' funds and borrowed funds. Shareholders' funds mein equity and retained aata hai, and borrowed funds mein debentures etc. aata hai. Aapne saare padhi liye hoge, theek hai? Ab ek minute meri baat ko suniye. Aisa hai, jo bacche pane hai, matlab jo regular batch mein hai, unki class ab next week hai, संडे को 3:30 बजे, सैटरडे को नहीं है, संडे को 3:30 बजे, जो रेगुलर बैच के बच्चे हैं, ठीक है? एक मिनट रुक जाइए, आपको कल टेस्ट देना है 1 बजे, स्टाफिंग चैप्टर का एमसीक्यूज टेस्ट है, वो आपको विंडो मिलेगी, दो फोन लेके बैठने जैसा हमेशा होता है, वो आपको कल देना है। कल एक बजे सुबह नहीं दे पाओगे तो मैं शाम का टाइम आपको बता दूंगा, कल और परसों में आपको टेस्ट देना ही देना है, ठीक है बच्चों? अब जो रेगुलर वाले बच्चे हैं बस वो रुक जाइए, जिनको कोई भी डाउट है अदरवाइज आप जा सकते हो, रेगुलर स्टूडेंट्स। अब क्रैश कोर्स वाले बच्चों से मेरे को बात करनी है, एक बार आप लोग अपना वीडियोस ऑन कर लो, नेक्स्ट क्लास की बात करनी है।